जितना ही खराब रोड दे दो भैया, ये हमारा छोटा टाइगर किसी से डरता नहीं है भैया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट। तो कल हम लोग रात में डिस्ट्रिक्ट आ गए थे, आप लोग पहला वाला वीडियो में देख लिया था। तो आज हम लोग रेडी और ये वो रूम है। तो पहले एक बार आप लोग को दिखा चुका था और अभी नहीं, फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और कल कुछ सामान नहीं करानी बाइक से, सिर्फ टैंक बैग को लेके आया और हेलमेट को, बस कैमरा वगैरह चार्ज देने के लिए चार्जर था और लगेज फुल पैक्ड अभी भी बाइक पे। लेकिन मेरे बाइक के पीछे टायर शायद पंचर भी हो सकता है, हाँ, या प्रेशर भी कम हो चुका है, उसको पहले करना है फिर निकले। तो चलो सीधा नीचे जाके एक चाय पीते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे मोटर फ्लॉक में, ठीक है। तो चलो सीधा नीचे। सो गाइस, हम लोग का तो गाड़ी मतलब पैक तो हो ही पहले से था, सब लगेज लोड था। तो हम लोग अभी कोल्ड स्टार्ट कर दिए और हम लोग का चाय भी खा पी लिए, फिर यहाँ से निकल लें। और यहाँ से रोड जो हम लोग का मतलब तय हुआ है वो रोड है आगम होके, ठीक है। आगम होके हम लोग सिया होके दुर्बुक से सीधा निकलेंगे पैंगोंग। लेकिन ओ वाला रोड शायद बंद भी हो सकते हैं, अगर खुला है कि पता नहीं। अगर ओ वाला रोड बंद होगा तो हम लोग को दो रास्ता और भी है, एक शक्ति होके दुर्बुक से निकलना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं देगा फिर ले होके जाना पड़ेगा, ले होके फिर दुर्बुक। ये तीनों रोड है, ले होके जाना पड़ेगा तो हम लोग का फिर 100 से 120 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो पता नहीं पहले यहाँ से जो सामने वाला खालसी है, खालसर है, खालसर में जाने से पता चलेगा कौन सा रोड पे हम लोग जा पाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे जुड़े रहे, हम जाते जाते मोटो ब्लॉग में अपडेट देते हैं, ठीक है। सो गाइस, होटल से निकल के यहाँ आए, एक वो पंचर जो बाइक का पंचर सारा था वही शॉप पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा बाइक का प्रेशर चेक कर रहे, हमारा प्रेशर थोड़ा कम था। और ये आपको मिलेगा जो डिस्किट पेट्रोल पम्प, उससे थोड़ा और भी आगे आना पड़ेगा, एक मार्केट आएगा, मार्केट से थोड़ा नीचे आने से यही यहाँ डिस्किट में एक ही दुकान है, ठीक है। अगर किसी को प्रेशर चेक करवाना है तो डिस्किट मार्केट में पूछो फिर इधर आ जाओ, ठीक है, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रेशर का काम है, पंचर है, तो यहीं पर करके जाना, ठीक है। और एक एक बाइक प्रेशर के लिए 20 रुपीज़ लगता है इधर। सो गाइस, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बाकी सब पंटर लोग पीछे आ रहे हैं। और यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे खालसर, क्योंकि वहीं पे पता चलेगा हम लोग को पैंगोंग जो हम लोग रोड चुना है, मतलब सहक होके दुर्बुक होके निकलने के लिए, ठीक है। वो रास्ता शायद 204 या 230 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा, मैं बाद में बता दूंगा एग्जैक्ट कितना है। तो वो रोड हम लोग को पकड़ना है, अगर वो रोड में नहीं जाने देगा तो और भी दूसरा दो रोड है, देखते हैं किधर से छोड़ते हैं, फिर आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले चलो यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, हम लोग वही से टी मोड़ आ गए, इधर से हम लोग डिस्क से आए और ये वाला रोड ले और ये वाला रोड आगे से जाके पैंगोंग, ठीक है। लेकिन लोकल एक से पूछा है, वो बता रहा है कि ये वाला पैंगोंग बंद है, मतलब किसी को कन्फर्म नहीं है। ये सहायक वाला जो पैंगोंग जाता है, सहायक वाला रोड जो पैंगोंग जाता है, ये अभी खुला है कि बंद है, ठीक है। तो कंट्रोल रूम में कॉल कर रहे हैं, फ़ोन ऑफ है। नुब्रा पुलिस स्टेशन में कॉल कर रहे हैं, वो भी फ़ोन ऑफ है, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। एक बंदा गया है बाइक लेके जो एमपी का था, उन्होंने सामने एक चेक पोस्ट है पूछने गया है, अगर वो कन्फर्मेशन देगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन सब भी रुके हैं ट्राई मारने के लिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से रिटर्न ले होके निकलेंगे, ठीक है। ले मतलब खारदुल्ला होके ले होके फिर वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और इधर चल रहा है हम लोग का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं फिर एक बार देख लो। तो गाइस, हम लोग का अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, आलू पराठा और ये अचार, ठीक है, क्योंकि खा लेते हैं, अभी टाइम तो हो चुका है, करीबन 12 बज चुका है। तो गाइस, फाइनली डिसाइड हुआ हम लोग यही रोड से जाएंगे, ठीक है। ट्राई मान ले, बाकी ट्रेवलर और बाकी बाइकर सब निकल गए, सिर्फ मैं शुभम विशाल और इच्छिता है निकलूँगा। और आगम तक तो जा सकते हैं, आगम तक रास्ता खुला है,
एक गांव है, मतलब एक जगह है जिसका नाम है आगम, आयगम, ठीक है। तो आयगम तक जाएंगे, फिर देखते हैं उधर क्या होगा, नहीं तो उधर ही रुक जाएंगे। तो चलो आप लोग को डिटेल्स देता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पैंगोंग लेक तो भाई हम जाएंगे से इधर से ही उधर से, ठीक है, आप लोग को भी दिखाएंगे। चलो तो फिलहाल बाइक को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते। तो कल हम लोग यहीं से सियाचिन गए थे, मतलब ए रोड भी सियाचिन का लेकिन बंद है, और हम लोग अभी ये राइड ले लिए, ठीक है। तो गाइस इसी रोड पे फुल्ली सेटलिंग हो रहा है, फुल्ली सेटलिंग, और कोई चारा नहीं है। अगर बैठ के चलाऊंगा बाइक को तो पिछवाड़ा दर्द होगा, तो इस चीज़ के लिए मुझे सेटलिंग करना पड़ रहा है, सेटलिंग। और ये भी प्लाटिना पर सेटलिंग हो रहा है। और ये बीच से थोड़ा पीछे एक रोड था कि एक सीधा चला जा रहा है और राइट तरफ ये भी जा रहा है, तो हम लोग ये राइट तरफ ले लिया, ठीक है, सिर्फ एक ही राइट आएगा। तो गाइस चलो फिर से हो जाए सेटलिंग फिर से। ओ भाई साहब क्या है, तबाही होगा प्लाटिना के ऊपर, तबाही तबाही, फुल्ली लोडेड भाई, फुल्ली लोडेड। और ये ऑफ रोड प्लाटिना ऑन फायर, ओनली वन पीस ब्रो, ओनली वन पीस। हो डाउन 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 डाउन, ओ ओ आगे जा रहा है अमित, अमित भाई आ गया, चीते चीते भगाते जा भाई, वो मुझे देख लिया ना इसे भगा रहा है, मैं उसको पकड़ लिया सर्लिंग करते करते, ठीक है, फिर उसको ओवरटेक कर लूँगा सर्लिंग करते करते। ओनली वन प्लीज ब्रो, हो तबाही तबाही मचेगा, ओनली वन प्लीज। सेटलिंग ब्रदर, सेटलिंग, ओनली वन प्लीज ब्रो। सामने वाला पहाड़ देखो, पूरा स्नोके माउंटेन, ठीक है, ऊपर पूरा भरा भरा हुआ है, ऐसा बहुत बन जाने बन जाएगा जब ना तब आना, मजा ही मजा लगेगा, मजा ही मजा, मजा ही से मजा ही मिलेगा भैया। तो पंडा लोग अपन का जो ये गाड़ी है ना, मतलब अपन का जो ये 100 cc का बाइक है ना, इसमें हम कहीं भी जा सकते, कहीं भी सीसी रोनल राइडर, ठीक है ब्रो, एक बात याद रखना, आप कैसा राइडर हो वही सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है, बाइक का सीसी कोई बड़े बात नहीं है, ठीक है। आप चाहोगे तो वो TVS वाला जो लूना है ना, मतलब मोपेड, वो भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब जो बंदा आएगा उसमें हिम्मत होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो चलो आगे आप लोग को दिखाता हूँ और यहाँ से पहले निकलता हूँ। तो गाइस नीचे से हम लोग ऑफ रोड से आके फिर ये चढ़ाई चढ़ने लगा हूँ, मतलब ये चढ़ाई शुरू हो गया, फिर ऊपर ऐसे ऑफ रोड से ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो टर्मिनल मिल गया भाई, ये टर्मिनल मिल गया, शायद अभी से रोड शायद अच्छा मिले, हाँ 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 थोड़ा अच्छा है। और ये रोड का नज़ारा देखो, और राइट तरफ भी पहाड़ को देखो, काट के इस रोड को बनाया, और नीचे से एक रिवर जाए, शायद ये साइक रिवर ही है, क्योंकि जब पूछे थे तो वो लोग बोल रहे थे साइक रोड से ही जाना, तो ये साइक रोड जगह होगा तो रिवर भी साइक भी होगा, श्योक श्योक। फिर मिल गया ऑफ रोड, बस ख़त्म, इतना सही था। फिर इसको क्लियर करके रोड बनाया, ये पूरा ही
देखो पहाड़ को देखो कैसे ही जा रहा, देखो थोड़ी भाई यहाँ से भागो जल्दी, नहीं रुकना है इधर, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। रिक्स है तो इश्क है, तो चलो जिसको इश्क में लगाते हैं। पूरा रोड ही बाबा सीर, फिर नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से। चलो चलो, अरे भाई रोड ही तो नहीं है भाई, सीधे पत्थर पड़ा हुआ है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। ये उधर जाने से नीचे अच्छा रोड है, ये सब लाइन डस्ट के वजह से हुआ था, पूरा ही लाइन डस्ट। देख लो इधर देखो, ये सब का काम चल रहा था, इसलिए बोल रहे थे ये रोड बंद है, इसी के वजह से बंद है। सब धीरे धीरे आने दो, तो फिलहाल हम लोग आगाम पे हैं, आरागाम वेस्ट बंगाल कोलकाता। हाँ लेडी पेंगोंग, आप लोग भी तो गाइस देख लो, शक्ति इधर ठीक है, शक्ति वाला जो आप लोग को बताया था, मतलब वहाँ से घूम के जो शक्ति वाला रोड आता है, लेकिन ये रोड काफ़ी दिनों से बंद है, और ये लोग का तो ट्राई लिया लेकिन अभी तक खुला है। और खालसर इधर 27 किलोमीटर ठीक है खालसर। तो गाइस यहाँ थोड़ा रुके थे आगम में, और अभी ब्रेक लस्सी का ठीक है, आप लोग लस्सी खाना है क्योंकि सुबह से एक आलू पराठा खा के निकले थे, और यहाँ थोड़ा लस्सी पी के फिर यहाँ से निकलने गया। और बाकी मैं सब निकल गया, यहाँ इप्सिता और विशाल और मैं हूँ ठीक है, ये पी के जस्ट निकल जाएंगे ठीक है। थोड़ा दूर आने के बाद फिर मिल गया वैसे वाला रोड, ये सभी लैंडस्लाइड हुआ था, ये जो पिछले दो दिन से बारिश हुआ था इसकी वजह से, तो ये रोड क्लियर हुआ है, और इसके वजह से ही रोड बंद था ठीक है, पहले वाला दिखाया था और यहाँ पर भी। ये देखो ये पूरा चढ़ाई वाला जो रोड है ना, पूरा ओहो भाई साहब, रोड़ी बाबा सीर है। ऊपर वाला को देखो, अगर गिर गया ना तो बस टाटा बाय बाय खत्म। सीरियसली भाई रोड बहुत खतरनाक है। अभी गिरते गिरते बच गया। मतलब ये पत्थर जो है ना, ये पूरा चाका को स्किड कर रहा है ठीक है, और लगेज भी हमारा ज़्यादा है तो बैलेंस हो नहीं पा रहा है, थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। बस फिर मिल गया टारमैक, रोड ही बाबा सीर है भाई साहब, ये रोड बोरा बाबा सीर है। ऊपर से देखो, भागो कैसा लगा, गिरेगा, भागो 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 भागो। ओहो, सामने का नजारा देखो एक बार ब्रो, क्या ही नजारा। हाल तुम्हें ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयान करें। इस गाड़ी को देखो ठीक है,
शायद ऊपर से कोई पत्थर गिर के हो गया, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, इस तरफ पूरा देखो, और नहीं तो ये ज़्यादा स्पीड में था, अपना स्पीड कंट्रोल खोकर ऐसा हो चुका है। दोनों में किसी एक चीज़ से हुआ है। ठीक है, इसको देखो एक बार, ये देखो, शायद मुझे जो लग रहा है अंदर से दिखकर किसी को कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये देखो खुला ही है गाड़ी, पीछे ज़्यादा देखो, गाड़ी का नंबर देखो, JK01AF41 30। ये जम्मू का नंबर है। थोड़ा ये सब जो लोग कार से आते हो ना, थोड़ा ये वेदर रिपोर्ट और रोड वगैरह अपडेट लेके इधर आना, यही नतीजा। एक बार देख लो, शायद मुझे लग रहा है किसी को कुछ ज़्यादा चोट नहीं होगा, होगा शायद चोट, मैं कहूँगा जो है स्वस्थ रहे सुस्त रहे। देखो अभी तक इनको, इन लोगों का यहाँ जूता भी पड़ा हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये जूता भी पड़ा हुआ है और भी चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये गाड़ी रास्ते से पूरा नीचे आया और सामने से भी देखो, ये देखो। ठीक है, पूरा सा कांच फोड़ गया, वहाँ पे तो डीजल भी खोल कर कोई ले गया, टैंक खुला है लेके चला गया। हाँ वैसे ही होगा, और क्या है, अगर इंश्योरेंस जाएगा बंदा का तो ठीक है, मिल जाएगा, नहीं तो बस नया गाड़ी मिलेगा। तो चलो, इसको दिखाने के रुका था हम लोग तो देख लिया, और ये है मारुति सुजुकी का स्विफ्ट। ठीक है, नॉर्मल स्विफ्ट है ये, VDI मतलब डीजल गाड़ी है, टॉप मॉडल। गाड़ी का हालत देख के भाई मेरा मतलब अंदर वाला, मैं भी खुद गाड़ी चलाता हूँ, इसको देख के मतलब इसको देख के मेरा रोंगटे खड़ा हो गया, घुसबम हो रहा है, घुसबम। ठीक है, मतलब पैर पैर मेरा हाथ पत कैप कांप रहा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग इधर से आए थे इस चीज़ को दिखाने के लिए, सामने से हम लोग घुमा के फिर यहाँ आए। ठीक है, थोड़ा स्पीड पे था, इधर से निकल गया, फिर रुका, इसको बोला, वो बोला चलो फिर दिखाते हैं, इसलिए हम आ गए। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, आगे का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस उस गाड़ी के बारे में, पीछे एक आर्मी कैंप था और कैंटीन था, वहाँ मैंने पूछा जो उस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया जब हम आ रहे थे उधर से एक चढ़ाई था ना, जहाँ लेंसर हुआ था, फिर जहाँ से मेरा गाड़ी थोड़ा डिस्बैलेंस हो रहा था, वहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया था। ठीक है, लेंसर के कारण में ये हुआ है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से लिया और आप लोग को भी शेयर कर दिया। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, कितना ही सुंदर, जो रीवा जा रहा है इसका पानी देखो कितना बह के जा रहा है, और ये रोड देखो, हो भाई साहब क्या ही नज़ारा। माउंटेन तो सर के ऊपर ऐसे झुक के खड़ा है, मतलब उसका मन करेगा तो गिर भी सकते हैं ऊपर। देखो यहाँ पर भी सब कुछ ये बारिश की वजह से हुआ है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड होके पूरा टारमैक रोड था, अभी देखो टारमैक रोड कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे टारमैक रोड था पहले, सभी लैंडस्लाइड की वजह से ये हाल हो गया। जितना ही खराब रोड दे दो भैया, ये हमारा छोटा टाइगर किसी से डरता नहीं है भैया, ये तो कहीं पर भी चल जाएगा। ऑफ रोड का मज़ा ही हो रहा है, और भी है शायद, ये तो आ गया, हाँ ये रोड सही है भैया, हाँ और चलो 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 चलो, हो रहा है ऑफ रोड, आई लव ऑफ रोड भैया, चलो 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 चलो, ये इतना अच्छा नहीं चाहिए, और भी ख़राब चाहिए, दे दो भैया, दिमाग का माँ बहन हो चुका है भैया ये रोड पर। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, लेकिन मज़ा नहीं आया, थोड़ा बड़ा चाहिए था। और सामने शायद बड़ा आ रहा है, वाटर क्रॉसिंग बड़ा आ रहा है, आ गया, ए ए भैया आ गया,
आ गया। तो गाइस देखो ये वाटर क्रॉसिंग है, इसको पार कर रहे हैं। पैर थोड़ा भीग गया, मतलब ये पानी ज़्यादा था एक जगह इसलिए। वाटर क्रॉसिंग ब्रो, वाटर क्रॉसिंग। ये है सहवेग से 10 किलोमीटर आगे, छोटा छोटा, लेकिन यही वाटर क्रॉसिंग अगर लेट करके आएगा ना और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग को कल बता दिया था। यही वाटर क्रॉसिंग के बाद खोला था, ये पूरा पानी भर जाएगा। ठीक है चलो, तो गाइस आगे वाला रोड नहीं है, उधर बंद है, यहाँ से जाना पड़ेगा ये वाला रूट से। मिल गया हमारा रे इसी टिप्सी को, और ऊपर वाला रोड नहीं, वो बंद है, हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा। चलो ये वाला रोड में ही पानी पूरा हो जाता, देखो ये पूरा रिवर है। ठीक है अभी पानी नहीं है, अभी सूखा है, थोड़ी देर बाद मतलब शाम होने से पहले यहाँ पूरा पानी ही पानी हो जाएगा, तब जाने में बहुत दिक्कत आएगा। तब पता नहीं आगे पानी होगा कि नहीं, तो चलो फिलहाल यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा ही दिखाते हैं। ये देखो ये जो पानी देख रहे हो ना, ये पूरा है रोड, पानी रहेगा पूरा रोड, ये सूखा नहीं रहेगा। ठीक है हम लोग को ऊपर से गाइड कर रहा था जो ये रोड पकड़ो ये रोड, इसलिए हम लोग ये रोड पकड़ लिया। और आगे भी देखो एक गाड़ी खड़ा है, हो ये है दुर्भुग सिटी कह सकते हो। ठीक है और यहाँ सब कॉन्टर लोग खड़ा है, सब कॉन्टर लोग। सो गाइस तो हम लोग पहुँच गए दुर्भुग, और ये है दुर्भुग का नज़ारा। ठीक है और ये छोटा सा गांव कह सकते हो या छोटा सा सिटी कह सकते हो, ये है दुर्भुग का एक छोटा विलेज। ठीक है और पीछे जो है यहाँ रुके हैं खाने के लिए, तो अभी दोपहर में खाना रोटी मिक्स सब्जी बताया था लेकिन नहीं है, फिर मटर पनीर, और हम लोग फिर यहाँ से खा के निकल जाएंगे। तो चलो पहले इसको दोपहर का लंच कर लेते हैं, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, शाम का, दोपहर नहीं अब शाम हो गया, शाम का 4:30 बजे। ठीक है 4:30 PM तो अभी हम लोग यहाँ खाना आ चुका है। ठीक है वो लोग भी उधर खा रहे हैं, उनका खाना भी नहीं आया। ठीक है रोटियां खाना खत्म हो गया, खाना नहीं आया, खाना खत्म हो गया है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ से खाते और फिर मोटर ब्लॉग में आते हैं। चलो फिर यहाँ से निकलते, हो गया चलो आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से थोड़ा फ्यूल कल भर लेता हूँ जितना भी जाए। 3 लीटर का फ्यूल मैंने भर लिया यहाँ से, कितना हुआ 318। यहाँ पर हुआ था जब तक है जान का मूवी शूटिंग। तो गाइस यही है वो रेस्टोरेंट जब तक है जान, शाहरुख खान का जो मूवी हुआ था वही शूटिंग यहीं पर हुआ था। ठीक है वो देखो
वहाँ बुलेट के बुलेट बुलेट रखा हुआ है, वही बुलेट से शूटिंग हुआ था। और देखो उधर शूटिंग पॉइंट लिखा भी है, ठीक है, शाहरुख खान शूटिंग पॉइंट जब तक है जान। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया जब तक है जान मूवी बनने से, ठीक है। जैसे पेंगोंग में मिलेगा आपको 3 डेज, तो चलो जब तक है जान हम लोग घूम लिया हम लोग अभी, और जब तक है ये रोशनी तब तक होगा राइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया है पानी पानी वाला रोड आ गया रे भाई भाई भाई। पानी आ रहा है और हम चल रहे हैं, लेकिन हम मिडिल से चल गए। ओ तो गाइस वेलकम टू पेंगोंग लेक, और आप सभी को पेंगोंग लेक में बहुत बहुत स्वागत है। ओहो सामने का नजारा देखो भाई, साला की अलग, ओफो 110 110 110, और क्या चाहिए ब्रो। तो गाइस फिर से और एक बार वेलकम टू पेंगोंग लेक, आप सभी को पेंगोंग लेक में स्वागत है। 110 110 110, तो गाइस हम लोग पहुंच गए पेंगोंग लेक। ये है पेंगोंग लेक, लेकिन आज सूरज देवता ट्रांजिट होने वाला है तो इसलिए थोड़ा रोशनी कम गया है, लेकिन आज का फुटेज ज़्यादा नहीं यहाँ का दिखाऊंगा, कल सुबह से यहाँ का जो नज़ारा है तो वो सब दिखाऊंगा। मैं फिलहाल जस्ट आप लोग को एक झलक दिखाना चाहता हूँ, इसलिए दिखा दिया, ठीक है। शाम सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूँ और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से, मेरी ख्वाबों की दुरानी, तेरी आंखों की रवानी से घायल मेरा दिल। तो गाइस हम लोग रूम पे बहुत पहले आ चुके थे, थोड़ा फ्रेश होके लगेज वगैरह देखो यहाँ कहाँ रखे हुए, ठीक है। तो ये रूम में अमित सोभिक और मैं तीनों, और बाकी तीनों उस रूम में मैंने बाजू वाला, और खाना हम लोग का तैयार हो चुका है तो सीधा जाएंगे डिनर टेबल पे। बस हम लोग आ गए डिनर टेबल पे, ये है डिनर का जगह, ठीक है। और इस तरफ भी पेंगोंग लेक और रोटी, और इधर है मशरूम मसाला। तो चलो पहले इसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। और ये रूम का प्राइस और रूम का व्यू नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और ये ब्लॉग कैसा लगा, क्या अच्छा क्या बुरा, जरूर बताना कमेंट में। तो चलो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, टाटा बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।